अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अवर फिजिक्स क्लास एंड वंस अगेन वेलकम ऑल राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज मेजरमेंट. एंड एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2 इन प्रीवियस क्लासेस एंड वी हैव डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट. So in measurement we have discussed the definition of measurement, physical quantities, what is units and system of units, and we also have discussed about the 7 fundamental quantities in international system international. All right. So 7 fundamental quantities discuss kar chuke the ki kaun kaun si hoti hain. 7 fundamental quantities discuss karne ke baad फिर हमने जो है उसके बाद हमने फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन डिस्कस की. फिर ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, फिर वो कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नए यूनिट्स फॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की. और उसके बाद फिर हमने जो है वो डिस्कस किया कि भाई ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन सी वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में लाइक करती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद फिर हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी हमने डिस्कस किया कि भाई ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स हैविंग सम रिलेशन बिटवीन दैम. वो जो रिलेशन है आपस में उनका वो क्या कहलाता है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी हैव डिस्कस. वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द अदर इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और यू कैन से इनवर्स प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि इफ वी इंक्रीज फर्स्ट क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और इफ यू डिक्रीज फर्स्ट क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल ऑल्सो बी डिक्रीज. ऑलराइट. तो एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी को कम करेंगे दूसरी भी कम हो जाएगी. ये हमने लास्ट क्लास में प्रोपोर्शनैलिटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिस्कस किया था. फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और बस अच्छा एक और मेन चीज फॉर द MCQs वो क्या थी बेटे, कि अगर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन जो है की फॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है, और बेसिकली उसका जो ग्राफ होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जब वो बनता है तो उसको स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं उस कर्व को, क्योंकि बेसिकली वो कर्व नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वजह से उसका कोई और नाम नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. बट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ कर्व की फॉर्म में बनता है. ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी डिक्रीज होती है, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो है वो एक हाइपरबोलिक कर्व की फॉर्म में बनता है. ठीक है, तो उस ग्राफ को उस कर्व को हम बेसिकली हाइपरबोलिक कर्व का नाम देते हैं. तो लास्ट क्लासेस में हमने यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर लिया था. उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को, और जो न्यू टॉपिक हमारे पास है वो है आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ऑलराइट. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ऑलराइट. वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेजरमेंट के अंदर यूज होते हैं, क्या चीज मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जो चीज मेजर हो सकती है. एज यू नो डैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. जो चीज़ें मेजर हो सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है. ऑलराइट. लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, कि उन क्वांटिटीज को मेजर जिससे करते हैं, जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, देयर आर नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बट इन योर बुक, इन योर कोर्स, इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच वी हैव टू स्टडी. ऑलराइट. तो 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं. तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हरिंग डालेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखेंगे, ऑल ऑफ दोज डिवाइसेज, ऑल ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन मेजरमेंट, ऑल ऑफ दोज डिवाइसेज विच आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, विच आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, वो तमाम डिवाइसेज जो कि हम
यूज करते हैं मेजरमेंट के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो देयर आर फाइव एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइव एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जरा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नंबर वन, वर्नियर कैलिपर। नंबर टू, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ऑलराइट। नंबर टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और यू कैन से माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। सम पीपल आर सेइंग some people call it micrometer screw gauge, or some people call it micrometer screw gauge. Both are same. All right. Vernier caliper, micrometer screw gauge, graduated cylinder, third device, fourth device is physical balance. बहुत सारे students को, most of the students already aware of this device which is physical balance. Physical balance क्या है ये discuss करेंगे, और stopwatch. Alright. कि स्टॉप वॉच, ये फाइव डिवाइसेस जो है वो आपके कोर्स में है, ये फाइव डिवाइसेस आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन बेसिकली फाइव डिवाइसेस यहाँ पे भी पढ़ना है, और इन फाइव डिवाइसेस से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स जब होंगे तो प्रैक्टिकल में भी ये डिवाइसेस यूज होंगी। तो एक एक करके हम ये डिवाइसेस पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है, फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉच। एक्चुअली ये डिवाइसेस क्या होती हैं एक एक करके अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ राइट डाउन, After write all of these examples, write down the heading of vernier caliper. First device है vernier caliper. तो vernier caliper की heading डालनी है, और vernier caliper जो device है वो होती कि अभी हम discuss करते हैं इसको, ठीक है। और ये actually क्या है डिवाइस, जरा हम इसको देख भी लेते हैं और इसको फिर हम स्टडी करते हैं। देखें भाई, वैसे तो ये डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइस आप लोगों के पास जो है वो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसको हम बेसिकली वर्नियर कैलिपर कहते हैं, और इसके यूजेस क्या हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम वर्नियर कैलिपर का नाम देते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली आपके पास एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर टू आप लोगों के पास जो आप लोगों के प्रैक्टिकल हैं आपके कोर्स में, तो उन प्रैक्टिकल्स में 14 प्रैक्टिकल हैं। 14 प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके पास जो सेकेंड प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर टू, एक्सपेरिमेंट नंबर टू, उस एक्सपेरिमेंट नंबर टू में यही काम करना है, अपने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट है, ऑलराइट। तो ये डिवाइस बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में डिवाइस है, आप ये नए पढ़नी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आप लोग जो है वो देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइस वर्नियर कैलिपर कहलाती है, इसकी डायग्राम आप लोगों की बुक में भी बनी हुई होगी, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, इसके यूजेस में भी आपको एक एक करके लिखवाऊंगा। इससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, इससे हम ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, इससे हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, इससे हम हाइट मेजर कर सकते हैं, इससे हम कोई डायमीटर या रेडियस मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, और इससे हम जो है कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर जरा ये आपके पास जो है, हम वर्नियर कैलिपर की हम बात कर रहे थे, तो वर्नियर कैलिपर में आपके पास दो स्केल हैं, एक आपके पास ये मेन स्केल हो गया बेटा, ठीक है, और एक आपके पास ये
वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, मूव कर रहे हैं, ये आपके पास मूवेबल स्केल कहलाता है। तो दो स्केल हो गए। उसके बाद ये आपके पास इसकी लोअर जॉज कहलाती हैं, ये दोनों इसकी लोअर जॉज हैं, ये दोनों इसकी अपर जॉज हैं, ठीक है, ये अपर जॉज हैं, ये इसकी लोअर जॉज हैं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो वर्नियर कैलिपर के अंदर स्टडी करनी है, वर्नियर कैलिपर के अंदर इनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हम आगे फर्दर और बात करते हैं, ये इसकी जो है वो डेप गॉज है, ठीक है, इससे हम जो है वो बेसिकली इंटरनल वॉल्यूम मेजर करते हैं, जिसको हम जो है वो कैपेसिटी भी कहते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं फर्दर, ऑलराइट। तो ये इसकी हो गई लेबलिंग, ठीक है, जिसके अंदर ये आपके पास इंटरनल, ये इसकी लोअर जॉज हैं, ये अपर जॉज हैं, ठीक है, अपर जॉज को जो है वो इंटरनल जॉज और लोअर जॉज को एक्सटर्नल जॉज भी कहते हैं, याद रखिएगा, लोअर जॉज को एक्सटर्नल और अपर जॉज को इंटरनल जॉज भी कहते हैं। ये डेप गॉज है जिससे हम जो है ओपन करेंगे तो यहाँ से इसकी लेंथ ओपन होगी, इंक्रीज होगी, और इससे हम इंटरनल वॉल्यूम मेजर करते हैं, ऑलराइट। तो दो स्केल आपके पास आ गए, ये मेन स्केल है और ये इसके ऊपर जो हम इजीली मूव कर रहे हैं, जहाँ पे लेबलिंग है आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास वर्नियर स्केल है। आपने करना क्या होता है, बेसिकली जो है वो कोई भी आपके पास सॉलिड सिलेंडर आपके पास हो या कोई होलो सिलेंडर हो, ठीक है, उससे आपने जो है इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। बेसिकली आपने करना क्या होता है, एट दी एंड आपने वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आपके पास जो है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है, ठीक है, डायमीटर बेसिकली चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है, जो आप इससे इजीली सारी चीज़ें जो है मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में सीखेंगे, ऑलराइट। तो अब हम इसके जो है वो यूजेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको और फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो अब देखें, वर्नियर कैलिपर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर, रेडियस, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम, इस तरह से हम जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी यूजेस के अड़ी डाल के इसका यूजेस देखेंगे, यूजेस लिखेंगे। वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या क्या हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, ऑलराइट, इसी तरह हाइट है, डायमीटर, रेडियस, ठीक है, डायमीटर फाइंड करेंगे, उसको टू से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, डायमीटर रेडियस इससे मेजर करते हैं, कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल में सीखेंगे, ठीक है, ये सारी यूजेस हैं इसके। उसके बाद वॉल्यूम जो है हम इससे वॉल्यूम जो है वो मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ साथ कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम तो चले समझ में आता है, अब कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी बेसिकली कहते ही हैं कि कैपेसिटी इंटरनल वॉल्यूम है, किसी भी बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज करिए मार्कर का कैप है, ये एक हॉलो बॉडी है, तो किसी भी हॉलो बॉडी का जो इंटरनल वॉल्यूम होता है दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी को डिफाइन करें तो कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी, जैसे हॉलो बॉडी कौन सी है, जैसे मार्कर का कैप है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है जो तीन तरफ से कवर हो, एक तरफ से ओपन हो, उसको कहते हैं हॉलो बॉडी। तो हॉलो बॉडी का जो इंटरनल वॉल्यूम है, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी इज कॉल्ड एज कैपेसिटी, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी, ऑलराइट। तो कैपेसिटी किसी भी हॉलो बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम कहलाता है। तो अब ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे यूजेस है किसके, वर्नियर कैलिपर के, ऑलराइट। तो वर्नियर कैलिपर के यूजेस के बाद फिर हम आगे चलते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो है वो लीस काउंट क्या होता है, एक्चुअली लीस काउंट है क्या, तो हम लीस काउंट की तरफ चलते हैं, तो हेडिंग डाल दिएगा लीस काउंट, ऑलराइट। लीस काउंट,
ये बेसिकली लीस काउंट यहाँ पे डिवाइस नहीं है कोई एक, हम यहाँ पे बेसिकली वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने यूजेस लिख लिए कि यूजेस क्या होते हैं इसके, वो हमने देख लिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद लीस काउंट की तरफ आ रहे हैं, बेसिकली हमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब लीस काउंट क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पे। लीस काउंट क्या भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लीस का मतलब होता है मिनिमम, और आप कह सकते हैं कम से कम, और काउंट का मतलब है टू काउंट समथिंग, मीन्स गिनना। ऑलराइट, तो लीस मीन्स कम से कम और काउंट मीन्स गिनना। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम गिनना, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, ठीक है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस काउंट का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम रीडिंग होती है वो उसका लीस काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कम से कम रीडिंग क्या है उसका लीस काउंट। अब जो वॉच है तो ये भी तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी आप टाइम मेजर करते हैं, टाइम एक क्वांटिटी है ना, मेजर करते हैं। तो अब इससे कम से कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं, दो तरह की क्लॉक होती है, एक वो जिसको हम क्या कहते हैं सुई काटो वाली जो घड़ी होती है, ठीक है, लाइक वो कौन सी वॉच होती है, वो आपके पास एनालॉग है, एक होती है डिजिटल जिसके अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं, जो बचपन में ईद में गिफ्ट मिलती थी, ठीक है, तो जो है जिसमें नंबर्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, वो आपके पास डिजिटल क्लॉक कहलाती है, और एक एनालॉग क्लॉक है जिसके अंदर बोलते हैं सुई काटो वाली घड़ी, बड़ी सुई इतने पे, छोटी सुई इतने पे, बचपन में ऐसी टाइम बताते थे, ठीक है, तो वो एनालॉग है। अब अगर हम एनालॉग क्लॉक की बात करें तो एनालॉग क्लॉक जो है जिसके अंदर सुई काटो वाली जो घड़ी है अपनों के पास, तो उसके अंदर कम से कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं, उसके अंदर कम से कम टाइम हम मेजर कर सकते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम टाइम मेजर नहीं कर सकते, तो इट मीन्स दैट उसका लीस काउंट क्या हो गया 1 सेकेंड। अब डिजिटल जो क्लॉक होती है जिसके अंदर जो है वो नंबर ज्यादा होते हैं, उसके साथ सेकंड्स के साथ साथ मिली सेकंड भी बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, तो उससे हम टाइम मिली सेकंड में मेजर कर सकते हैं, उसका लीस काउंट है, उससे कम से कम रीडिंग हम 1 मिली सेकेंड मेजर कर सकते हैं, ऑलराइट, या 0.1 सेकेंड मेजर कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों का स्केल है, स्केल में कम से कम रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया स्केल का लीस काउंट क्या हो गया 1 मिलीमीटर। इसी तरह अब हम बात करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर से कम रीडिंग कितनी मेजर कर सकते हैं वो अभी हम बताते हैं, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और क्या होगी वही हम देख लेते हैं। तो बेसिकली लीस काउंट क्या हुआ, तो लीस काउंट का मतलब है मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, तो एक लाइन में इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख लें, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, लीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम, काउंट का मतलब गिनना, मींस रीडिंग किसी भी चीज की, तो मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस काउंट, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस काउंट, ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोगों ने इसकी लिख ली। ऑलराइट, तो इसकी डेफिनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस काउंट की डेफिनेशन लिखने के बाद हिंट डाल दिएगा, लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हम पढ़ने जा रहे हैं, लीस काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बेसिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको वॉच की बात करी, ठीक है, कि भाई जो है वो वर्नियर कैलिपर का जो है, सॉरी वॉच की बात करते हैं, तो एनालॉग क्लॉक जो है उसका लीस काउंट 1 सेकेंड है, तो उसके अंदर आपने उसको कैलकुलेट नहीं किया, आपको फौरन पता लग गया यार इसके अंदर हम कम से कम इतना टाइम मेजर कर सकते हैं, तो इसका लीस काउंट इतना होगा। जैसे अब यहां पे हम बात करते हैं फिजिकल बैलेंस की, फिजिकल बैलेंस के अंदर कम से कम मास, फिजिकल बैलेंस वो डिवाइस जिसके अंदर मास मेजर करते हैं, तो कम से कम मास फिजिकल बैलेंस के अंदर कितना मेजर कर सकते हैं हम बता देंगे 1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम इसका लीस काउंट हो गया। अब कहने का मतलब यह है कि जो है अब इसके अंदर कैलकुलेट नहीं करना पड़ा कि लीस काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
कम से कम रीडिंग कितनी मेजर कर सकते हैं कैलकुलेट करें, लेकिन वर्नियर कैलिपर के अंदर क्योंकि दो स्केल थे मैंने आपको बताया, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम आगे जो है लीस्ट काउंट का जो सिंबल है पहले वो देख लीजिएगा। लीस्ट काउंट को एल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे और वो फॉर्मूला क्या है जरा देख लीजिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का, ये वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की 1 डिवीजन को हमने जो है वो डिवाइड कर देना है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब ये है कि जो मेन स्केल है, देखिएगा जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल की 1 डिवीजन, 1 डिवीजन का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, और वर्नियर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, वर्नियर स्केल पे टोटल रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल पे टोटल रीडिंग होती है 10। और जो मेन स्केल है, मेन स्केल में मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास स्केल है, ठीक है, इसमें इस तरह से मार्किंग हुई हुई है, ठीक है, अब ये आपके पास अगर 0 है, ठीक है, और ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 0 है और ये 1 है, बीच में इनके 10 लाइंस हैं, तो इसको अगर हाफ करें तो ये हो जाएगा 0.5। अगर ये 0.5 है तो देखें 1 डिवीजन का मतलब होता है ये जो एक मार्क हुआ हुआ, ये फर्स्ट मार्क यहां से लेके यहां तक ये 1 डिवीजन है, तो ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, तो 0.5, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन, 10 डिवीजन पे आपके पास जो है वो रीडिंग आ रही है 1। तो अब वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूले में 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, ये फॉर्मूला है 1 डिवीजन, 1 डिवीजन की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, अगर ये पूरी 10 डिवीजन 1 है तो ये 1 डिवीजन और 5 डिवीजन 0.5 है, तो ये एक क्या होगी, ये एक होगी, ये रीडिंग होगी यहाँ पे 0.1, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये आ जाएगी 0.9, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी 1, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की बात करें अगर, तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपके पास आ रहा है 0.1, ऑलराइट, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मैंने आपको बता दिया कि 10 होती हैं, उसके अंदर रीडिंग टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मतलब टोटल रीडिंग कितनी होती है, 10 होती हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो ये आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया, ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू डैश, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आपने फाइंड कर लिया कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर, ये आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया। वर्नियर कैलिपर यहाँ तक आज की क्लास में ने डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डिस्कस करेंगे। सो टाइम अभी थोड़ा सा कम है, क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।